सफलता चर्चित दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। हत्या के आरोप में पुलिस ने हत्या में शामिल चार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से एक पिस्टल, एक रिवॉल्वर, तीन देसी पिस्टल, एक दौली, एक भुजारी, एक चिनाक और घटना में प्रयोग किया गया एक मोबाइल बरामद किया है। वहीं इस घटना के दो आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। थाना अंतर्गत चुंदरी गाँव में एक भाई और बहन का लाश पड़ा हुआ था, उसका मर्डर हुआ था। इसके एक केस का खुलासा के लिए SDPO गुमला के नेतृत्व में हम लोग एक टीम का गठन किया गया था। एकदम एक ब्लाइंड केस था। अनुसंधान के क्रम में हम लोगों को सूचना मिला था कि ये जो अभियुक्त लोग जो घटना करने के लिए जो हथियार यूज़ किया है, उस हथियार के बारे में कुलदीप जायसवाल जो घाघरा का रहने वाला है उनको पता है। तो इसको जब हम लोग बुला के पूछताछ किया तो ये उस घटना पे, मर्डर पे अपना संलिप्तता के बारे में बताया और इन्होंने अपना हथियार जहाँ रखता है उस इलाका पुलिस को बताया। और ये हाईस्कूल मैदान घाघरा थाना के अंतर्गत पूरा विनोद मैली के घर पे जब हम लोग इनके निशानदेही पर छापामारी किया तो घटना पे यूज़ किया हुआ और उसके अलावा टोटल एक पिस्टल, एक रिवॉल्वर और तीन सिंगल शॉट हथियार मिला। इनके द्वारा अपना स्वीकारोक्ति बयान में यही बताया कि इस घटना जो मर्डर का घटना में इनका दो सहयोगी इन्वॉल्व है, इसमें एक है आनंद तिग्गा और दूसरा विवेक मिश्रा, ये दोनों आज के दिन में फिरार है। इसको पकड़ने के लिए पुलिस लगातार छापामारी किया जा रहा है। इन लोगों का फ़ोटो के साथ गुमला पुलिस के द्वारा एक अपील भी पब्लिक को जारी किया है और इस माध्यम से हमको आप सबसे निवेदन है कि आपको ये दोनों के इन्फॉर्मेशन कहीं मिलता है तो इसके बारे में ज़रूर हमको बता दीजिएगा ताकि हम लोग ये जो भाई और बहन को इंसाफ दिया जाए। साथ में अभी ये जो आर्म्स हम लोग जो पकड़ा है इसमें हम लोग अलग से एक FIR किया है। इसमें कुलदीप कुमार जायसवाल, नितेश जायसवाल, कुणाल वर्मा, मणि कुमार साहू, ये चारों ये हथियार यूज़ करते थे और वहाँ पे क्राइम को अंजाम देते थे। इसमें हथियार के पीछे एक्जैक्टली जो कारण है वो ये लोग नशा में था, पूरा पिया हुआ था, गांजा पिया हुआ था और इसमें से एक लड़का को अपना जो लड़की लोगों के साथ जो फीलिंग होना है वो हुआ, उसमें उसी करने के लिए ये लोग लड़की और लड़का को किडनैप किया था। और जब ये भाई और बहन जब विरोध किया, ये दोनों का निर्मम हत्या इन लोगों के द्वारा किया गया है। थैंक यू।